दर्द देखो लुका छिपी में मैं हमेशा जीतता था, बोला था ना पोलैंड में अकेला था, नियता था, दूसरी सरकार थी, अलग लॉज थे, कुछ नहीं कर सका, यहां सिर्फ और सिर्फ मैं तेरी सांसें तो बंद थी। अगर तू अपनी सांसें 15 मिनट रोक सकता है तो अंदाजा लगा ले कि मैं कितनी देर तक रोक सकता हूं। अच्छा जब आई गई हो तो बता दो कौन हो, खुद पता लगा लो। इतना सही फेस है, छुपा के क्यों रखते हो? सुई चुभी। ये लो 100 रुपए, हम सब की तरफ से कंट्रीब्यूशन। ये 100 रुपए देके सर आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं इसे नहीं भूलूंगा। लेकिन एक बात बताओ, एक बच्ची को बचाने के लिए इतने सारे लोगों की बैंड बजा दी? ये कहानी उसी बच्ची के साथ शुरू। अरे ए मारो इसको। इन लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट दी, 15,000 डॉलर दिए, रेड लेबल ब्लैक लेबल सब पिलाई, विस्की वोडका वाइन, ये देखो लाल पीले होके पड़े। इन गुरों ने मुझे ना चाइना का माल चिपका दिया। 5 मिनट ही टिक पाए, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, सबका इलाज फ्री में करेंगे, एकदम फ्री में करेंगे। अपने कान पकड़ के आपके सामने हाथ जोड़ के कसम खाता हूं कि पैसों की कमी की वजह से कभी कोई बच्चा नहीं मरे। I'm extremely sorry. I'm extremely sorry. लाल बोल मेरे लाल, मैं यहां से निकलता हूं, आप यूं वैन लेके निकल जाओ, मैं पुलिस वालों को जरा घुमा के आता हूं। माईलाल उंगली पकड़कर बचपन में मैंने तुझे घुमाया, अब तू मुझे घुमाएगा, वहां से बच के निकलने का कोई चांस नहीं है। बट एज यू नो, इज्जत जिल्लत शौहरत और मौत ऊपर वाले, उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता सिवाय हम दोनों के।
क्या हो रहा है सब? आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे, तो ये सारे बच्चे उस महान इंसान के लिए दुआ मांगने जा रहे हैं जिसने कई गरीब और बेसहारा बच्चों को नई जिंदगी दी है। चलो बच्चों, मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, लगा लेना एड़ी से लेके सर तक का सोल। सब ले गया। तुमने दिमाग लगाया, तुमने ताकत लगाई, तुमने फॉरेन का ट्रिप भी लगा लिया, फिर भी हमारी लग गई। सर, आज तक हमें जो भी डेविल के बारे में पता था, आई एम टेकिंग यू ऑफ दिस केस आउट। मुझे इस केस में ऐसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है जो डेविल की तरह से सोचता हो, जिसको ये मालूम हो कि डेविल अब ये करने वाला है। गो गो गो, गेट आउट आउट आउट। सनमन बहुत डायनामिक ऑफिसर है। यस, सी मानशु, मीट मिस्टर देवी लाल सिंह, डेयर डेविल ऑफिसर। देवी, ये मानशु, डेविल का केस यही हैंडल कर रहे थे। मैं आपको जानता हूँ। क्या मैं आपको जानता हूँ? I doubt it, partner. क्योंकि मैं केस और फेस कभी नहीं भूलता। ये कौन सा नया ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं, किक है। कहा था ना, 14 नवंबर को मार देना वरना 15 को तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? I'll take your leave, sir. देवी आ गए, I'm sure डेविल आपके सामने ही होगा। He's a right man for the job. Partner, मैं इनके अगेंस्ट हूँ, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के साथ हूँ। साले, नौकरी और छोकरी दोनों में बोल रहे अगेंस्ट में, ऐसा पहली बार हुआ है। भाई, तुझे कोई नहीं समझ सकता। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं, और जिंदगी की सबसे बड़ी किक इसी में है। तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना, तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू मजा आया यार।
क्लाइमेक्स सीन देख के काफी जबरदस्त था, देख के बिल्कुल मैं कहता हूँ मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़े कमाल की परफॉर्मेंस थी सलमान सर की। और एंड वाले सीन पे स्पेशली जब वो, मैं कह रही थी कि जैसे ये हंसते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वो वाला सीन जो करते हैं ना हंस के, तो वैसे कोई कर सकता है। वैसे वो अलग था, वो सलमान खान ने मतलब वैसे किया ना, वो तो अलग था, लेकिन वैसे किया ना तो वो ज्यादा अच्छा लगा। मैं कहती सलमान सर ने ज्यादा सूट कर रहा था, लेकिन वैसे सलमान सर का अपनी जगह पे अच्छा था। मुझे लगता है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर रहा था ना, वो कुछ अलग ही था। लेकिन फिर भी ये है कि सलमान सर ने कार्तिका इसमें भी मतलब एक बहुत बड़ी बात है यार, वो मतलब एक लेकिन फिर जब चाकू मारा ऐसा सीन था एकदम से डेवल, मतलब वो शैतानों का शैतान बना हुआ था, लेकिन डेवल का तो एक अलग ही सीन है। उसने फिर भी मतलब पकड़ लिया उसको, तो मजा आया देख कर काफी ज्यादा। और एंड पे जो डायलॉग है सलमान सर का बहुत ही ज्यादा फेमस, बड़ा कमाल के तरीके से सर ने कहा ना कि मैं सब मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं समझ में नहीं आता, मैं दिल में आता हूँ, तो बड़ा ही अच्छा था, मजा ही आ गया। अच्छा, ये जो पुलिस वाले हिमांशु एक्टर थे, इनकी भी काफी अच्छी एक्टिंग थी, काफी जबरदस्त एक्टिंग थी। ऊपर से बट जितना भी टाइम आए तो उनको भी देख के अच्छा लगा। और इसके अलावा मिथुन सर, उनको भी कम स्क्रीन पे मिला, लेकिन जब भी वो आए तो उन्होंने भी काफी कमाल की एक्टिंग करी, काफी मजा आया। और वो डायलॉग भी बड़ा अच्छा था ना, जब दोनों ने मिलकर बोला इज्जत दिलत शोहरत, वो ऊपर वाले बड़ा कमाल का लगा दोनों ने एक साथ। मतलब बाकी नवाज की एक्टिंग यार, इन दोनों की कॉम्बो जो है ना, वो हमने बजरंगी के अंदर पहले देखा, अब इस मूवी के अंदर देखा तो मतलब ये जो है ना काफी जबरदस्त ये डुओ लग रहा था इनका, बिल्कुल ऐसा ही है सलमान सर और लेकिन इसने वो विलन का रोल किया बिल्कुल भी। अब देखे वो बजरंगी के सीन देखे बंदा और विलन के इस मूवी के देखे तो बिल्कुल भी ऐसा दिमाग नहीं जाएगा, ये वही बंदा है, गठड़ी निकालो, वो भी बड़ा मजे का सीन था। तो फ्रेंड बाकी आपको कैसे लगा हमारे साथ ये मूवी देखकर, बताइए कमेंट में, न्यू मूवी की सजेशन दीजिएगा, कौन सी लेके आए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे साथ ये मूवी देख के अच्छा लगा होगा, पिछले सारे पार्ट मिस करके सारे प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, जाएं प्लेलिस्ट के अंदर चेक करें, और भी मूवीज हमने साथ बहुत सारी देखी हैं उनको भी जरूर चेकआउट करें। बजरंगी भाईजान जरूर जाके देखें, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मसा है बजरंगी भाईजान देखने में। तो मिलते हैं फिर ऐसी अच्छी सी न्यू मूवी या किसी सॉन्ग या किसी ट्रेलर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।